फ्रेंड्स, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे फिट। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को हम मेडिकल टर्म्स में डिसपेप्सिया के नाम से भी जानते हैं। इनडाइजेशन यानी अपच, बदहजमी। जब भी हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं या हमारे खाने खाने का शेड्यूल जो है टाइमिंग वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इस प्रॉब्लम को हम इनडाइजेशन बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को घर पे ही क्योर कर पाएंगे। नंबर 1, बेकिंग सोडा। इनडाइजेशन का मेन रीज़न है हमारे पेट में एसिड बनना, और बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है जो एक एंटासिड की तरह एक्ट करता है और जो हमारे स्टमक में एसिड बना होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बेकिंग सोडा को आप पानी के साथ ले सकते हैं, लेमन के साथ ले सकते हैं और हनी के साथ ले सकते हैं। नंबर 2, एप्पल में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो हमारे खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और विनेगर एसिडिक नेचर होने के कारण फैट मेल्ट करता है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नंबर 3, जिंजर यानी अदरक। अदरक में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नंबर 4, फेनल सीड्स यानी सौंफ। सौंफ में ऐसे ऑयल्स होते हैं जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम खाना खाने के बाद सौंफ खा लें तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। नंबर 5, अजवाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें हफ्ते में एक बार पानी के साथ अजवाइन खा लेना चाहिए। थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और हेल्थ से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्टे फिट को सब्सक्राइब करें।